पब्लिक कुछ और सोचती है, क्योंकि उनके अंदर इस्लाम 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 इतना भरा हुआ है, और एनी बडी आउटसाइड ऑफ इस्लाम उनके लिए दुश्मन है, और हिंदू तो उनके लिए खासकर दुश्मन है। स्पेशलिस्ट टाइप के कमेंट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को या तो पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होता या पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं पता। तो आज मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन लोगों को ये वीडियो जो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों को जाहिल मत बोला कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप ये ना बोलो कि ये लोग तो जाहिल है, तो सारे पैसे वापस। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पत्रकार साहब पब्लिक के बीच में जो सवाल लेके गए हैं, वो सवाल आखिर है क्या? टॉपिक ये है कि रिसेंटली ईरान ने इंडिया को ऑफर की है कि जो नेचुरल गैस है उस फील्ड में आप हमारे साथ काम करें और 30% शेयर के साथ काम करें। इसी वाले से आज पाकिस्तान की आवाम से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है, ईरान इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, हमारे साथ इस तरीके से क्यों नहीं कोई ऑफर हमें दी जाती, क्यों नहीं डील की जाती। फरजाद बी गैस फील्ड, जिससे ईरान ने इंडिया को एक बार को भाग निकाल दिया था। ईरान को उम्मीद थी कि चाइना या फिर रशिया से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, तो इसलिए ईरान ने फिर से इंडिया को ऑफर दिया है कि मिनिमम 30% डेवलपमेंट का यहाँ पे आपको स्टेट मिलेगा, मिलकर आप यहाँ पे हमारे साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, इन्होंने यहाँ पर यह बात ऐड करती है, दिस ऑप्शन पीरियड इज वैलिड ओनली फॉर 90 डेज। अब ईरान भारत को ऑफर कर रहा है तो पाकिस्तानियों की जले ना, ये कैसे हो सकता है? तो पत्रकार साहब ने उठाया अपना कैमरा और चले गए पब्लिक के बीच में, ये जानने की कोशिश की कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहे हैं, उनको वहाँ परेशान किया जा रहा है, उनको जीने नहीं दिए जा रहा, उनको वहाँ दबाया जा रहा है, तो भी ये एक मुसलमान कंट्री हिंदुस्तान को क्यों ऑफर कर रही है, क्यों उनके साथ काम करना चाहती है? तो पाकिस्तानी आवाम ने दिए बड़े ही शानदार आंसर, जिनका इंतजार आपको हमेशा रहता है। तो चलते पाकिस्तान के एक तरफ हम ये कहते हैं, हमारी मीडिया या हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया के रिलेशन मुसलमानों के साथ ठीक नहीं है, मुस्लिम कंट्री के साथ ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदीया, जो भी मुस्लिम कंट्री देख लें, उनके डील्स हो रही हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उस तरीके से डील क्यों नहीं हो रही? अब रिसेंटली ईरान ने इंडिया को ऑफर किया है कि हमारी जो नेचुरल गैस है उसके ऊपर आप आके काम करें, हमारे साथ प्रोजेक्ट में काम करें और 30% आपको मिलेगा, बाकी हम लेंगे, यानी कि ऑफर किया प्रॉपर, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? इस तरीके वजह ये है कि अब जो नजदीक बात है ना, वो क्यामत आने वाली है। यही तो क्यामत है। अच्छा। ये जो काम हो रहे हैं ना, ये क्यामत आने वाली बात है, ऐसे काम होने नहीं चाहिए। ओए, ये कौन सी आयत में लिखी हुई है निशानी कि इराक अगर इंडिया के साथ में डील करेगा, बिजनेस करेगा, तो ये कयामत की निशानी है। अगर ये किसी को आयत नंबर पता हो तो भैया बता देना। हद करते हैं भाई साहब, ये पाकिस्तानी भी हद करते हैं, इनका कोई जवाब नहीं भैया, कोई जवाब। मतलब इंडिया के साथ डील करना कयामत, ये बिल्कुल एक ये भी निशानी है। जो हमारे हुक्मरान है, जो पहले थे, जो अब है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क को चलाना कैसे है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि जो हिंदू हैं वो हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त नहीं है, वो हिंदू दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है। पाकिस्तानियों को बचपन में सिखा दिया जाता है कि हिंदू उनके दुश्मन है, जबकि इनके देश में हिंदू नाम की कोई प्रजाति बची नहीं है, दुर्लभ हो गई, पाई नहीं जाती है, दिखाई नहीं देती है, विलुप्त हो चुकी है। 1947 में भारत से जमीन टुकड़ा लेके अपने वहाँ पे मुल्क बना लिए इन्होंने, लेकिन फिर भी हिंदू दुश्मन है। हिंदू ने तो जमीने दी भाई तुमको, हिंदू दुश्मन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी दुनिया, अगर हम सऊदीया की बात करें जिसे हम समझते हैं, ईरान की बात करें जहाँ हम समझते हैं बिल्कुल इस्लामिक लाइफ, अफगानिस्तान की बात करें, वो सारे भी उनके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं, डील क्यों कर रहे हैं? ये डील कर रहे हैं, ये वही मैंने जो बात पहले की है, ये डील इसलिए कर रहे हैं कि ये पैसा देख रहे हैं। क्या तुम भी तो पैसा ही देख रहे हो? ये पैसे से तो दुनिया चलती है। देख, आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं? मेरी बात सुनो, मुझे अभी आप कहें 1 लाख रुपया मुझसे ले लो वैसे ही, तो मैं कैसे ले लूंगा? मैं तो नहीं ले लूंगा, अगर लूंगा तो फिर तो मैं तो जुर्मदार हूँ। वैसे किस बात के लिए दिया जा रहा है, किस बात लेके ये मुझे पैसे दे रहे हो? ये है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह करे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो लोग है ना, ये समझ जाए दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये समझ जाए, और अपने जो हमारा सऊदी अरब मुल्क है, हमारा दुबई है, इनसे ईरान इराक है, इनसे इनको फायदा दे। तुम भैया किसी को ना फायदा दे सकते हो, तुम बस दुनिया से फायदा ले सकते हो, इमदाद ले सकते हो, भीख ले सकते हो। मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है, आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुंह से नवाला छीन दिया। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट
बार छीना छिपटी शुरू हो गई है और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे तो किराने की दुकान को लूट लिया, बेकरी को लूट लिया। इनसे कैसे फायदे लें, यही तो मेरा क्वेश्चन है सर कि ये तो सारे उधर जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे फायदा लें? हम आपको यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये फायदे आप मेरी बात सब चैनल्स खोल। बिल्कुल ऐसे ही सही बात है, मेरे वाले साहब सही कह रहे हैं। चले ये तो अपने बाप को कभी गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने गलत बोल दिया तो इसके बाप इसका राशन पानी बंद कर देगा और तीन टप्पड़ उठा के घर के बाहर फेंक देगा, तो भाई की तो मजबूरी है भाई। बाप बाप होता है। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है कि ईरान ने इंडिया को ऑफर की है कि आप जो उनसे हमारे साथ गैस फील्ड पे आके काम करें, 30% शेयर लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ईरान या दूसरे इस्लामिक कंट्री है इंडिया के साथ काम करने में, डील करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान है, उन्होंने अगर ये ईरानियों ने कहा है कि हमारे साथ इंडिया आके कर लिए, फेक न्यूज है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज हो के ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मजहब लोगों के साथ जाके प्रेफर थे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, यही तो जहालत चाहिए हमको, क्योंकि पाकिस्तानी अब किसी काम के तो रह नहीं गए किसी के भी, और तुम्हारी बातें सुन सुन के जो लुत्फ मिलता है उसका स्वयं ही अलग है भैया। मतलब किस भी हाथ पे ये कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज है, ठीक है आपको नहीं मान, मुस्लिम ममालिक है, जाहिरों की तादाद हर जगह बराबर है, टोटल विजन लेस लोग। ऐसे तो सऊदीया मुस्लिम ममालिक जी है ना, तो इंडिया के साथ कर रहा है काम, बहुत से प्रोजेक्ट पे कर रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है एज अंदाजन कि अमरीकी वगैरह अगर इंडिया को दे तो उनके साथ समझ में भी आती है क्या क्या करता है ईरान करे, समझ नहीं आता इसी। ईरान तो हमारा इस्लामी मुल्क है, वो कैसे जा सकता है इंडिया के साथ कैसे काम कर सकता है? माफ करना यार, वजह क्या है? क्योंकि ईरान ने कभी इस तरह की इंडिया के साथ की नहीं, वो सब प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर एज कंपैरिजन तो आप पाकिस्तान और इंडिया को देखो तो पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इस चीज के तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। देखो याद रखो, हमेशा भिखारी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ऐसे हम कहते हैं इंडिया इस्लामिक कंट्री का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, दूसरी तरफ जितने भी ईरान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, सऊदीया को देख लें, सारे इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सभी, जब इमरान खान उनके साथ कुछ करना चाहता था तो सभी ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, उनके साथ मिला हुआ है, इंडिया के साथ मिला हुआ है। अभी आप रिसेंटली देख लें, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है जिसकी वजह से वो उसमें साफ कह रहे हैं इंडिया से ही मंगवा रहे हैं, कुछ पता नहीं वो कोई पावर प्लांट वो उनकी तरफ से मंगवा रहे हैं, तो सारी बात ये गलत चीज है। हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि इंडिया जो है ना हमारे साथ कभी वो फेयर नहीं चल सकता। बस यही सुनना था मेरे भाई, बस यही सुनना था मेरे को, 95% पाकिस्तानी यही सोचता है, कितने भी शांति के मोहब्बत के आप कबूतर उड़ा लोगे, ये पाकिस्तानी उनकी गर्दन को मोड़ देंगे। कि वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो देखने के बाद में अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं अब भी जाहिल ना बोलूं इन पाकिस्तानियों को, तो भी आज कमेंट करके बता देना मेरे को, तो मैं जाहिल बोल लाइन को बंद कर दूंगा। और आजकल आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, एक शेयर कर दिया करो भाई, कहीं भी कर दिया करो, इतना सा कर दिया करो, ज्यादा कुछ मत करो, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम। पब्लिक कुछ और सोचती है, क्योंकि उनके अंदर इस्लाम 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 इतना भरा हुआ है, और एनी बडी आउटसाइड ऑफ इस्लाम उनके लिए दुश्मन है, और हिंदू तो उनके लिए खासकर दुश्मन है। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।